विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रदेश के हितों को लेकर विधानसभा में फैसले लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के नेतृत्व में राज्य में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के साथ साथ प्रदेश हित में अहम फैसले लिए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से हमारे चंबा संवाददाता विकास ठाकुर ने बातचीत की। समय हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी। आइए उनसे पूछते हैं कि उनका प्रदेश को लेकर क्या विजन है। मैं तो बतौर अध्यक्ष जो है विधानसभा की जो कार्यवाही है उसका संचालन करना मेरा काम है, और विधानसभा के अंदर जो विषय हैं वो सरकार के द्वारा लाए जाते हैं, और जो अपोजिशन है, प्रतिपक्ष है, उसके ऐसे मसले जो प्रदेश हित में हैं, जो सरकार के संज्ञान में नहीं है, वो भी सारे विषय जो है प्रतिपक्ष के माध्यम से सदन में आते हैं। और एज ए अध्यक्ष मेरा ये जिम्मा बनता है कि वो सारे विषय जो प्रदेश हित में हैं, जो यहाँ के आवाम के हित में हैं, उन पर सब पर चर्चा हो। जहाँ नीति नियम कानून में कोई व्यवस्था परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो वो सदन में जो प्रस्ताव है वो पारित होते हैं, और उसके अनुरूप जो है सरकार उसके ऊपर आगे की कार्रवाई करती है। और मेरी ये कोशिश रहेगी एज ए अध्यक्ष कि ऐसे सारे विषय जो जनहित के हों, जो प्रदेश हित के हों, वो सदन में चर्चा में लाए जाएं। सर, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी सरकार का मुख्य आधार होता है, लेकिन अभी पिछले 5 सालों में भी देखा जाए तो सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की हिमाचल प्रदेश में हाल ठीक नहीं है, तो इस बारे में क्या आप क्या सोचते हैं और क्या आप इसका दूँ? मुझे लगता है कि सरकार वर्तमान में माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, ये विषय उनके संज्ञान में है, और CLP की मीटिंग में भी ये विषय आया था। पहली मीटिंग होगी या अगली मीटिंग होगी, और मुझे लगता है कि सरकार इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से विचार करेगी। एस्पिरेशन जिला से संबंधित है, और अभी हाल ही में आपने एक घोषणा की है अपने बटियात दौरे के दौरान कि राजधानी से चंबा की दूरी कम करने के लिए टनल का निर्माण किया जाएगा, तो आप क्या मानते हैं कि इस तरह की अगर सुरंगों का निर्माण होता है तो किस तरह हमारा जो जिले का पिछड़ापन है दूर होगा? चंबा के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, लाहौल स्पीति के बाद 6,400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसका, और अभी चंबा में सड़क की जो सुविधा है, अभी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, मैं ये समझ सकता हूँ 250 के हैं, 150 के हैं, 100 के हैं, 50 की आबादी के तो बहुत हैं जिनको सड़क सुविधा के साथ जुड़ना है, और जहाँ सड़क की आवश्यकता है वहाँ चंबा को अगर राजधानी के साथ, अन्य जिलों के साथ या देश के अन्य राज्यों के साथ जुड़ना है तो टनल निर्माण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जिला चंबा हेडक्वार्टर से 400 किलोमीटर के करीब पड़ता है, इसलिए इस दूरी को कम करने के लिए और चंबा जिला और प्रदेश का एक संपर्क बने, लोगों को आने जाने की असुविधा ना हो, इसलिए टनल जो है चंबा चौड़ी ज्योत रोड पर अति आवश्यक है, जिसके ऊपर काम किया जाएगा और आने वाले समय में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यह टनल जो है बने। तो आपने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने जहां विधानसभा की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलाने की बात कही है, वहीं चंबा जिला के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए यहां सड़क, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने की अपनी वचनबद्धता भी दोहराई है। DD News के लिए चंबा से विकास ठाकुर।